लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक ओर जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के बाद अब जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने भी बगावत कर ली है। जनवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी और पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान घोषी सीट से ताल ठोकेंगे। संजय चौहान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी जिसको चाह रही है, अखिलेश उसको टिकट दे रहे हैं। सपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर एनबीटी ऑनलाइन से बात करते हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के मुखिया डॉक्टर संजय चौहान ने कहा कि घोषी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सपा ने घोषी से राजीव राय को उम्मीदवार बना दिया। जब हिस्सेदारी और भागीदारी ना हो तो गठबंधन में कैसे रहा जा सकता है? अपनी विचारधारा के अनुरूप अखिलेश जी के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे थे और अपनी कम्युनिटी के साथ साथ पिछड़ी जातियों में भी मैं लगातार प्रयास करता रहा, काम करता रहा कि लोग भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करें। अखिलेश यादव जी ने जब पीडीए का नारा दिया तो भरोसा हम लोगों का और मजबूत हुआ, लेकिन इधर उनका जो भी निर्णय आया उस निर्णय से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी नारा ज़रूर दिए हैं, लड़ने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से वो लड़ने की मनसा नहीं रखते। बीजेपी को मौका देना चाहते हैं।